रमेश, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? हाँ, शहर से इतनी दूर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताता हूँ, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर और क्यों? अब पहुँच तो गए, बता दो ना। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या? दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। ओके, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? लो। नीतू, मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ वहां पे? इतनी सुनसान जगह पे ये आदमी कर क्या रहा होगा? सर, यहाँ पे ये दो गिलास पड़े हुए हैं, विस्की की बोतल भी है। इसके साथ कोई और भी था सर, या तो वही मर्डरर है या फिर उसे भी कुछ हो गया होगा। यहाँ आसपास जंगल में देखा क्या है कोई और लाश? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छा बस। हाँ सारंगे, एक और अजीब बात है। वो क्या? ये देखिए, लाश के एक पैर का जूता गायब है। जाते जाते कोई जूता ही ले गया, ये क्या है? किचन सर, इसी की लगती है। अजीब सी है, घोड़ा, ये ज्वेलरी बॉक्स, ये खाली है सर। कहीं कोई इसे लूट के तो नहीं भाग गया? ज्वेलरी मिली क्या कहीं? नहीं सर। सालुंखे, कैसे मारा है इसे? घाव काफी गहरा है, किसी भारी चीज से मारा गया। चोट लगने से पहले इसने खूनी के बाल पकड़ के खींचे होंगे। ये देखिए, इसकी मुट्ठी में बाल है। सर, यहाँ एक गन पड़ी है, नकली है, बच्चों के खेलने की। नकली गन? अच्छा, मर्डर वेपन मिला? सर, ये देखिए, ये रहा मर्डर वेपन। ये यहाँ, देखा? ऐसे मारा होगा और यूं फेंका होगा और यहां फंस गया। ये देखिए सर, सर। हाँ सुधाकर, जेब में वॉलेट मिला है, विजिटिंग कार्ड भी है। इसका नाम प्रेम कुमार है, एड्रेस और टेलीफोन नंबर 628915। ठीक है, घर में फोन करो, देखो घर में कौन कौन है और उनको इन्फॉर्म करो। आइए। आइए। सो ये हैं उनके बेटे। हमने लाश देखी, पापा की है। बड़े दुख की बात है। जगदीश प्लीज, देखो जो होना था वो हो गया, रोने से वो वापस तो नहीं आएगा। प्लीज बैठिए। देखिए, ये सारा मामला बड़ा अजीब सा है, उलझा हुआ सा है, समझ में नहीं आ रहा कि किसने ये सब किया होगा और क्यों। आपको कुछ अंदाजा है? आपको कुछ पता है? जी, मुझे कैसे पता होगा, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। इतना सब कुछ सामान मिला है वहां से, पता नहीं कैसे इधर उधर पहुंच गया। ये वॉलेट आपके डैडी का है ना? जी हाँ, पापा का ही है। और ये शू? जी उन्हीं का है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स किसका है? देखिए, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये आपका नहीं है? ये कहा था, ये भी हमें कार के पास ही मिला। अच्छा, जरा ध्यान से इन चीजों को देखिए, आपके डैडी के पास ऐसा कोई सामान था जो इसमें नहीं है? ये पापा। एक मिनट, हाथ मत लगाइए। ये पापा का नहीं है। अच्छा, ये चाबियां पापा की है। ये भी पापा का नहीं है, लेकिन पापा का मोबाइल फोन कहीं नहीं दिख रहा। मोबाइल फोन नहीं मिला आपको? नहीं, वो था उनके पास जब वो निकले थे घर से।
जी हाँ, उनके पास एक बैग भी था हरे रंग का। क्या था उसमें? मालूम नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने आखिरी बार अपने डैडी को कब देखा था? कब देखा था आखिरी बार डैडी को आपने? जी कल शाम को करीब 7 बजे जब वो घर से बाहर गए थे, उसके बाद तो। क्या वो अक्सर बाहर जाया करते थे? कभी कभी। दरअसल उनके पास घर की अपनी अलग चाबी थी, हम लोग तो जल्दी सो जाते, वो कब आते थे कब जाते थे पता ही नहीं चलता था। देखो जगदीश, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैडी का मर्डरर पकड़ा जाए तो साफ साफ बात करो, सच बोलो। जगदीश, वैसे भी इन्हें पता चल ही जाएगा, अच्छा यही है कि हम सच बता दें। हाँ। सर हमें लगा कि वो शीला के घर गए हैं। ये शीला कौन है? वो इनके पापा की दोस्त है। कहिए जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? हम CID से। CID आइए। थैंक यू। आप कहीं जा रही हैं बाहर? आप काम की बात कीजिए। आप किसी प्रेम कुमार को जानती हैं? जी। कल रात आप उनसे मिली थी? कल रात वो यहाँ आने वाले थे लेकिन आए नहीं। लेकिन बात क्या है बताइए तो सही। अब कैसे बताएं? क्यों? बात ऐसी है कि प्रेम कुमार जी की मौत हो गई है। कैसे? किसी ने उनका खून कर दिया कल रात को। हे भगवान, तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? देखिए प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए हम लोगों को सबको दुख है इस बात का। प्लीज प्रेम कुमार जी और मैं आज शादी करने वाले थे। शादी? हाँ। घर वालों को ये बात मालूम थी? किसी को भी हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, विनोद को भी नहीं। ये विनोद कौन है? मेरा भाई, यही रहता है मेरे साथ, अब बैंगलोर गया हुआ है। कब? कल सुबह। अगर वो यहाँ रहता तो मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए प्रेम कुमार जी ने उसे किसी काम के बहाने बैंगलोर भेज दिया। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? अभी तक तो वो बैंगलोर पहुंच गए होंगे। वो हाँ, डॉक्टर सालुंके, बॉडी की चीर फाड़ करने से पहले मैंने सोचा इसके कपड़ों की तलाशी ले लूं, तो इसके पैंट की छोटे वाले पॉकेट में से मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला, टेलीफोन डायरेक्टरी में से फटा हुआ। नो ऑल डिटेक्टिव्स। प्रेम कुमार की जेब में से एक डिटेक्टिव का पता? शायद इन्हें मालूम होगा प्रेम कुमार क्यों मारा गया। क्या क्या कह रहे हैं आप? प्रेम कुमार मर गया? इतनी जल्दी मर गया? इतनी जल्दी का तो मालूम नहीं, लेकिन किसी ने उसका खून कर दिया है। कब? कल रात को। कल रात को? लेकिन कल दोपहर तो उसका मुझे फोन आया था कि उसकी जान खतरे में है। अब मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी जल्दी चल पड़ेगा ऊपर को। यहां तो हर दूसरे आदमी का यही फोन है कि उसकी जान खतरे में है। मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है तुम्हारा? मेहरबानी है ऊपर वाले की। प्रेम कुमार ने और क्या कहा फोन पे? कहने लगा कि एक 20 साल पुराना मुर्दा उसके पीछे पड़ गया है। तुम्हारे पास मुर्दों का भी इलाज है? मुर्दे का नाम है कमलेश कोठारी। कमलेश कोठारी? हाँ, ये कमलेश कोठारी और प्रेम कुमार दोनों एक साथ हांगकांग में बिजनेस किया करते थे 20 साल पहले। कमलेश ने फ्रॉड किया, पैसे खा गया, जेल हो गई उसको। लेकिन अब ना जाने कहाँ से ये कमलेश कोठारी आ टपका है 20 साल बाद। क्या कह रहा है? उसने प्रेम कुमार से कहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो
नहीं तो ऊपर तो प्रेम कुमार ने मुझसे कहा भाई जोसेफ तू कमलेश से बात कर ले लेकिन पुलिस को मत बताना। पुलिस को नहीं बताना? इस कमलेश से या प्रेम कुमार से तुम्हारी मुलाकात हुई? कहां? प्रेम कुमार आज यहां पर आने वाला था लेकिन आने से पहले ऊपर चला गया। थोड़े बहुत पैसे आने वाले थे वो भी हाथ से गए। और ये कमलेश कोठारी? इसको तो मैंने देखा भी नहीं मगर अगर मुझे ये कहीं मिल गया ना तो पैसे तो मैं इसी से लूंगा। कमलेश कोठारी, ये अचानक कहीं से एक नाम पैदा हो गया है, कमलेश कोठारी। शीला जी आप जानती हैं कमलेश कोठारी कौन है? नहीं, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मीना जी आप जानती हैं? नहीं सर। जगदीश तुम तो जरूर जानते होंगे कमलेश कोठारी कौन है। सर पापा करीब 20 साल पहले हांगकांग में थे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके पार्टनर कौन कौन थे। हाँ हमारे एक वकील हैं रानी साहब, उन्हें जरूर मालूम होगा, वो पापा के साथ बहुत सालों से है। रूबी जी तुम्हारे पास एडवोकेट ईरानी का नंबर है? जी लेकिन इस वक्त वो दिल्ली में है। नंबर है? जी नंबर बताइए। 9821062856285। हेलो ईरानी साहब, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत मुंबई सीआईडी से। सर यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई है, प्रेम कुमार जी की डेथ हो गई है। जी हाँ, खून हो गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, आप प्रेम कुमार जी के किसी हांगकांग वाले पुराने पार्टनर कमलेश कोठारी को जानते हैं? नहीं? ओह अच्छा सर, मिलते हैं जब आप आएंगे। थैंक यू सर। नहीं सर वो नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है इस कमलेश कोठारी को? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ? कल शाम मैं पापा को उनके कमरे में चाय देने गई थी। हुँ? तो मैंने देखा कि वो एक बैग में नोटों के बंडल भर रहे थे, कम से कम 10 बंडल थे बड़े बड़े। मैंने ये जगदीश को नहीं बताया क्योंकि हमारा झगड़ा हो जाता। किस काम के लिए थे ये पैसे? शादी के लिए या फिर कमलेश कोठारी को देने के लिए? ये कमलेश कोठारी हांगकांग से आता है और आते आते ये साथ में लाता है, लगता है ना कुछ कुछ चाइनीज जैसा। जब ये लाया गया तब ये मर्डर वेपन नहीं था मगर अब इससे एक खून हो चुका है। सुधाकर। सर तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाओ और पिछले 3 महीनों में हांगकांग से जितनी भी फ्लाइट्स यहां आई है वो चेक करो, देखो उनकी पैसेंजर लिस्ट में कोई कमलेश नाम है क्या। ओके सर। सर शायद ऐसा हुआ कि कमलेश आया, उसने फोन करके प्रेम कुमार को बुलाया, दोनों मिले, एक जगह जाके गाड़ी पार्क की, विस्की पी और कमलेश ने नकली गन से प्रेम कुमार को डराया, प्रेम ने पैसा देने से मना कर दिया, दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आके कमलेश ने प्रेम कुमार का इससे खून कर दिया। और प्रेम जो पैसे और ज्वेलरी शीला के लिए लेकर आया था वो कमलेश लेकर भाग गया। लेकिन सर इस थ्योरी में एक ही गड़बड़ है। वो क्या? वो सर वो जूता, वो शू जो अभी तक मिला नहीं है। सर हम ये समझ सकते हैं कि कमलेश ने पैसे चुराए, ज्वेलरी चुराई, मगर सर वो एक जूता लेके क्यों भाग गया? हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहां पे बॉम्ब स्क्वाड है? वहां पे ठीक है, हम लोग आते हैं। लेक पार्क में एक बैग पड़ा है, लगता है बॉम्ब है। रात में पार्क में तो कोई भी नहीं है तो बॉम्ब कौन रखेगा? कोई नजर भी नहीं आ रहा है। बम बनाने वाले सरफेरे होते, पता नहीं उनको क्या क्या सोचता है। हर रोज बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, दिमाग खराब हो गया। रुक जा, संभल के बोलना वरना दोनों मारे जाएंगे। कोई घर पे है क्या तेरा जो इंतजार करेगा? नहीं। फिर संभल के बोलना। ये बॉम्ब बनाने वाले सोचते हैं कि बॉम्ब स्क्वाड वाला ऊपर से खोलेगा और मार जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं साइड से खोलूंगा।
अरे इसमें तो एक बैग है, कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं है। लगता है कोई हमसे गेम खेल रहा है। फिर भी आराम से निकाल, बैग में भी बॉम्ब हो सकता है। मुश्किल है, लगता नहीं है। पेपर, पेपर में जूता, ये लो, शायद यही है तुम्हारा मिसिंग जूता। सर, हाँ फ्रेडरिक्स, ये रहा बैग। खोदा पहाड़, निकला जूता। अभिजीत, अब जूता तो मिल गया, बताओ क्या हुआ होगा। सर, जूते का सोल फाड़ दिया गया है, जैसे किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की है। सर, फिल्मों में कभी कभी दिखाते हैं कि जूते के सोल में कुछ छुपाया गया है, माइक्रोफिल्म वगैरह। इसमें शायद चाबी होगी, शायद किसी लॉकर की। मतलब कमलेश को मालूम था कि जूते में चाबी है? हो सकता है सर, इसीलिए वो पैसों और ज्वेलरी के साथ साथ ये जूता भी लेके भाग गया। चाबी निकाल ली और जूते को वैसे ही पेपर में लपेट के बैग में रख के फेंक दिया। सर, हाँ सुधाकर, मैंने एयरपोर्ट पे सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए सर। सर, पिछले 6 महीनों में कमलेश कोठारी नाम का कोई भी आदमी इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं उतरा है। कोई बात नहीं, मुझे काफी कुछ पता चल गया है इन बालों से। जिस आदमी के बाल हैं उसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच है, उसका वजन 80 किलो है, उसे क्रिकेट से बहुत प्यार है और वो गोरेगांव ईस्ट में कहीं 3rd फ्लोर पर रहता है। सर, सिर्फ बाल देखकर इतना सब पता चल सकता है? नहीं, ये बाल से नहीं पता लगा है, ये डॉक्टर साळुंखे का दिमाग घूम गया है। आशा, जरा इनका मुंह सूंघो, देखो कहीं दारू तो नहीं पी रखी इन्होंने। अच्छी इंफॉर्मेशन दी तो पी रखी है। नहीं नहीं, देखो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो सच बोल दूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बताओ अभी। देखो माइक्रोस्कोप में देखो, ये बाल मरने वाले ने किसी के सर में से खींच कर नहीं निकाले, बल्कि मरने के बाद किसी ने उसके हाथ में रख दिए। ये बाल काटे हुए हैं, देखो इनकी जड़ें नहीं, नो रूट्स। देखा, खूनी ने खून करके कहीं से बाल काट कर मरने वाले की मुट्ठी में क्यों रख दिए? ये बाल का क्लू तो बेकार गया सर। मर्डर के बाद आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर ये आदमी अपने बाल काट के मरने वाले की मुट्ठी में फंसा रहा है। ये आदमी पागल तो नहीं है? पागल नहीं, बहुत होशियार है वो। हाँ सर, सर हमें अगर आधा भी क्लू मिल जाता है तो भी हम खूनी को पकड़ लेते हैं। सर यहाँ पे 9 क्लूज हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सारे क्लूज मिलकर बनता है एक बड़ा क्लू। ये 10वां क्लू, ये सर अ बिग जीरो। यस, अ बिग जीरो। ये सारे क्लूज नकली है, बेकार है। एक डिटेक्टिव को अचानक किसी आदमी का फोन आता है कि उसकी जान खतरे में है, कोई कमलेश कोठारी नाम का आदमी उसके पीछे पड़ा है, बाद में वो प्रेम कुमार का खून करता है और जगह जगह पे इन सब चीजों को फेंक देता है, ये कीचेन, ये टॉय गन, और उसके पॉकेट में एक डिटेक्टिव एजेंसी का पता छोड़ देता है। उसे मालूम है कि फर्म फौरन वहां भागेंगे। उसने सोचा होगा कि हम इन सब चीजों में फंस जाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, थक जाएंगे और केस बंद कर देंगे। मगर वो जानता नहीं ये एसीपी प्रद्युमन किस मिट्टी का बना हुआ है। इन सारी चीजों को एक तरफ रख दो और तहकीकात फिर से शुरू करो। मोबाइल कंपनी से उन सब फोन की लिस्ट लेके आओ जो प्रेम कुमार ने किए थे या उसे आए थे। अगले 24 घंटों के अंदर हम ये केस सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। आइए 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 प्लीज, आप जरा यहां इंतजार करिए। जाना सर, मुझे लगता है ये रूबी काफी कुछ जानती है। मैं किसी बहाने से यहाँ ले आया हूँ,
उसे प्यार से पूछेंगे तो शायद ही कुछ बता दे। क्या कहा क्या तुमने इससे? मैंने कहा सर कि प्रेम कुमार के मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता करना है। तो कुछ पता चला मोबाइल कंपनी से कहां कहां से फोन आए थे प्रेम कुमार को? यस सर, ये 7:30 बजे एक अंधेरी की बूथ से आया था सर। 7:30 बजे? और वो 7 बजे घर से बाहर निकला, 7:30 बजे ये फोन आया, इसका मतलब है वो 7:30 बजे तक जिंदा था। सर ये फोन उस मर्डरर का ही होगा, उसने फोन करके प्रेम कुमार को बुलाया कि चलो बातचीत कर लेते हैं। रास्ते में वो मिला और दोनों गाड़ी में बैठ के पार्क में चले गए और दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को जानते थे। रूबी को मालूम होगा, रूबी को बुलाओ। देखो रूबी, यहां तुम्हारी जान पहचान का कोई नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी मालूम है आराम से और बिना डर के बताओ। सर मैंने आपको उस वक्त ईरानी का नंबर दिया था ना? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब हमें ये बताओ, क्या तुम्हें पता था कि प्रेम कुमार और शीला शादी करने वाले थे? हाँ, वो लोग 1 महीने के लिए बाहर जाने वाले थे। अच्छा, होटल की बुकिंग भी मैंने ही करवाई थी। बॉस ने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मगर हाँ, मगर क्या? मगर जगदीश को पता नहीं ये सब कैसे पता चला। जगदीश? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि जगदीश को पता चल गया? सर 2 दिन पहले मैं ऑफिस में शाम को किसी काम से वापस आई थी, मैंने उनके कैबिन से जोर जोर से आवाजें सुनी। वो औरत और उसका भाई मिलकर आपकी बिजनेस लूट रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता आपको? तुम उसे एक औरत कह के बुला रहे हो? तो और क्या कहूं उस औरत को? उसका नाम शीला है और वो लूट रही तो मेरा पैसा लूट रही है। लेकिन मैं इस घर को और इस बिजनेस को लूटने नहीं दूंगा, चुप नहीं बैठूंगा मैं। तुम क्या करोगे? अरे तुम कर ही कह सकते हो। मैं क्या करूंगा? आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, समझे आप? अरे रूबी तुम अभी तक ऑफिस में? अच्छा एक काम करो, एडवोकेट ईरानी का मोबाइल नंबर मिलाओ, वो दिल्ली में ही है। जी। हेलो। लाओ मुझे दो। ईरानी तुम अभी एक काम करो, मेरे लिए एक नई वसीयत तैयार करो और सब कुछ शीला के नाम कर दो। अच्छा ठीक है, 80% उसके नाम कर दो। मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो? ठीक है। रूबी जी, एक कॉफी मंगाओ मेरे लिए। अरे शीला तुम आ, रूबी 2 कॉफी मंगाना। जी सर। आओ शीला। मुझे वो शीला कभी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं हमारे बॉस जैसे अच्छे आदमी उसके चंगुल में कैसे फंस गए। दिखती भोली भाली, स्वीट स्माइल, मगर है अंदर से कुछ और। वो और उसका भाई विनोद हमेशा पैसे मांगता रहता था, कोई बिजनेस शुरू करने वाला था, दोनों ही बैठे थे लूटने के लिए। वो वसीयत बन गई है जिसमें सारा पैसा शीला के नाम होने वाला था? शायद। ईरानी साहब को मालूम होगा। जी हाँ, मैंने नई विल बना दी थी, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा मैंने वैसी वसीयत तैयार कर दी। उसने कहा मेरी 80% प्रॉपर्टी और पैसे शीला को दे दो, मैंने वैसे ही लिख दिया। और बाकी 20%? 20% जगदीश को। मैंने प्रेम कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की थी पर उसके सर पे तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, ये है पुरानी बिल और ये है नई वाली। लेकिन नई वाली में एक चक्कर है। इसमें भी कुछ गड़बड़ है। इसमें ही तो प्रॉब्लम है, इस बिल पे प्रेम कुमार के साइन है ही नहीं। इस वसीयत की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी काम के नहीं। इस वसीयत पर प्रेम कुमार ने साइन क्यों नहीं किए? जब ये बिल बनी थी तो मैं दिल्ली में था, मैंने सोचा जब मैं मुंबई वापस जाऊंगा तो पहले उसे समझाऊंगा फिर साइन करवा लूंगा, पर यहां तो पहले से ही
तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा पुरानी वाली वसीयत में लिखा हुआ था उस हिसाब से अब सब कुछ जगदीश को ही मिलने वाला है। हाँ ईरानी साहब, जरा सोच समझ के जवाब देना, क्या जगदीश को ये मालूम था कि नई वसीयत बनी तो है मगर उस पर प्रेम कुमार जी ने साइन नहीं किए? जगदीश को क्या बात है, कुछ सोचने लगे आप? नहीं नहीं, वो कुछ ऐसे ही, हम लोग जगदीश के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जगदीश को मालूम था कि नई विल पर साइन नहीं हुए। उसने मुझे फोन भी किया था कि मैं प्रेम कुमार को कहूँ कि नई विल मत बनाओ, शीला को सारे पैसे मत दो। और मजे की बात यह है कि जिस औरत को ये सारे पैसे मिल रहे हैं वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वेरी स्ट्रेंज, किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि वो ऐसा भी कर सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। कोई अंधा भी बता सकता है कि वो औरत प्रेम कुमार से सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहती थी, तो फिर ये ड्रामा क्यों? शीला को प्रेम कुमार की मौत से कुछ फायदा नहीं हुआ मगर वसीयत पर साइन ना होने की वजह से जगदीश तो बच गया। हाँ सर, अब उससे ही सब कुछ मिलेगा। ये पैसा बहुत बड़ी चीज है सर, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कहीं जगदीश ने तो डिटेक्टिव जोसेफ को फोन नहीं किया होगा? एक काम करो, जोसेफ को बुला के लाओ, उसे जगदीश की आवाज सुनवाते हैं। अरे एसीपी साहब आइए, अभी ईरानी साहब का फोन आया था, उन्होंने बताया कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं उस नई वसीयत के बारे में। जी। ये साहब कौन है, इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगा आप पहले इनसे मिल चुके हैं इसलिए मैं इन्हें साथ लेकर आया। हाय आई एम जोसेफ। हाय, लेकिन मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनसे तो लोग फोन पर भी बातें करते हैं। खैर वो वसीयत, उस वसीयत की वजह से तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो भिखारी बन जाते सर। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले कि प्रेम कुमार जी उस वसीयत पर साइन करते वो बेचारे चल बसे। मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत छोटा था जब मेरी मां की डेथ हो गई। मेरे पापा ने अकेले मुझे पाल पोस के बड़ा किया। हाँ पिछले कुछ दिनों से मुझे पापा से बहुत नफरत हो गई थी और अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और आपको क्या लगता है, एक बेटा अपने बाप का खून कर सकता है क्या? आपने तो इतना कुछ देखा है, एक बेटा अपने बाप का खून कर सकता है क्या? समझ में आया? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है जिसने मुझे फोन पर कमलेश कोठारी की छोटी कहानी सुनाई थी। नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। सर ये जगदीश का नहीं शीला का चक्कर है, ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है सर कि हो ना हो इसमें शीला का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मगर उसे तो नुकसान हो गया इससे। नहीं नहीं सर, ये उसने नहीं कराया है, ये उसके किसी प्रेमी ने किया है। प्रेमी ने? मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था। गुड गुड, ग्रेट वर्क आशा, ग्रेट थिंकिंग, थैंक यू सर। चलो मान लेते किसी प्रेमी ने किया, मगर खून करने के लिए उसने वही हथियार क्यों चुना, वो चाइनीज जैसा दिखने वाला? Do you mean to say, sir, इस मर्डर वेपन का हांगकांग से कुछ कनेक्शन है? शायद। मतलब सर ये कमलेश कोठारी लेके आया होगा? हे भगवान, फिर वही कमलेश कोठारी? I told you, आशा, there is no कमलेश कोठारी, कोई कमलेश कोठारी वोठारी नहीं है। तो सर फिर ये मर्डर वेपन आया कहाँ से? अच्छा चलो फिर से खोलो वो डब्बा। ये रहा। ये चाबी और उस पे लटका हुआ ये घोड़ा कुछ समझ में नहीं आता है। नंबर दो ये टॉय गन, नंबर तीन ये ज्वेलरी बॉक्स जो खाली था, चार ये फटा हुआ जूता, और ये मर्डर वेपन। ये बाल जो उसके मुट्ठी में फंसे थे। My God.
क्या हुआ सर? ये देखा तुमने? ये जूता? नहीं नहीं जूता नहीं, ये इस पेपर पे जो लिखा हुआ है वो एग्जीबिशन हॉल प्राउडली प्रेजेंट्स फर्स्ट टाइम इन मुंबई चाइनीज हैंडीक्राफ्ट ऑल फेंग शुई एंड डेकोरेशन आइटम सेल 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 दुर्गा हॉल विले पार्ले ईस्ट 21 से 27 अप्रैल तक 8:30 से 8:30 हर रोज 21 अप्रैल मर्डर कब हुआ 21 अप्रैल सर 21 अप्रैल हो सकता है ये मर्डर वेपन इसी एग्जीबिशन में से खरीदा गया मगर सर ये तो हवा में तीर चलाने जैसी बात हो गई आशा तहकीकात का मतलब ही यही है कि हवा में तीर चलाओ मैं आपको फेंग शुई के बारे में बहुत मदद कर सकती हूँ ये देखिए विंग चाइम है इसको आप घर के ईच साइड में लटकाएंगी तो कोई इविल स्पिरिट नहीं आएगी ये मैं आपको दे दूं नहीं ये क्या है ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए है ये दरवाजे के ऊपर लटकाएंगी तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी और ये क्या है ये आपको कहां से मिला ये तो हमारे यहां का बेस्ट पीस था ये देखिए ये ओरिएंटल और यूरोपियन आर्ट का मिक्सचर है ये वाला हिस्सा चाइनीज है और ये वाला यूरोपियन इसके साथ हालांकि फेंग शुई का कोई ताल्लुकात नहीं है ये खरीदा किसने था ये तो मुझे याद नहीं यहाँ तो सैकड़ों लोग आते हैं पर वो एक आदमी था और वो इसे तोल कर देख रहा था दिखता कैसा था कैसा दिखता था वो आदमी गोरा सा था स्मार्ट सा था और हाँ वो जब यहाँ था ना उसका एक फोन आया था कुछ कह रहा था बैंगलोर जाना है जल्दी जाना है शीला का भाई भी बैंगलोर गया हुआ है ना तुम रूबी को फोन करो उसे पता करो वो बैंगलोर से कब लौट रहा है ट्रेन में कहाँ बैठा है कोच नंबर बर्थ नंबर सब पता करो उसका जी सर अच्छा गोरा सा था लंबा था कैसा था वो हाँ अच्छा बैंगलोर जाने की क्या बात कर रहा था क्या कह रहा था कह रहा था कि जल्दी जाना है बैंगलोर जाना है सर बस सर वो उद्यान एक्सप्रेस से एक घंटे के अंदर मुंबई में आ रहा है उसके कोच का नंबर है S4 और वो सीट नंबर 36 पर बैठा हुआ है अच्छा बात क्या है बताइए तो नहीं नहीं कुछ नहीं थोड़ी बातचीत कर ली अच्छा बातचीत करनी है तो फिर ठीक है अच्छा विनोद जी आप विनोद जी हाँ हमें प्रेम कुमार के ऑफिस से ही पता चल गया था आपका कोच नंबर और सीट नंबर अच्छा अच्छा वही मैं सोच रहा था कि आपको कैसे पता चला रूबी ने बताया था उसी ने कराई थी ना आपकी बैंगलोर जाने की बुकिंग जी हाँ काफ़ी अच्छी सेक्रेटरी और शीला ने भी आपके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई शीला ने हाँ आपकी बहन है ना जी हाँ बहुत अच्छी है बहुत ख्याल रखती है मेरा जी वो भी आ रही हैं CID ब्यूरो में आइए ये क्या किया आप लोगों ने मेरे भाई को भी पकड़ लिया मैंने आपको बताया ना कि वो बैंगलोर गया हुआ है और वैसे भी विनोद यहाँ था ही नहीं जब खून हुआ यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं तो यहां था ही नहीं ये कौन है आपका भाई ये मेरा भाई नहीं है ये विनोद नहीं है नहीं मेरा नाम तो अशोक है लेकिन जब हमने तुमसे स्टेशन पे पूछा था तुम विनोद हो शीला के भाई हो तब तुमने हाँ कहा था ना हाँ वो मैं डर गया था इसलिए बोल दिया था तुम शीला को नहीं जानते नहीं मैं किसी शीला विला को नहीं जानता तो विनोद की सीट पे क्यों बैठे थे मुझे क्या मालूम कि वो विनोद की सीट है तुम विनोद के नाम से ट्रेवल कर रहे थे कि नहीं ये क्या विनोद लगा रखा है आपने मैं किसी विनोद को नहीं जानता छोड़िए मुझे उसका टिकट कैसे आया तुम्हारे पास मुझे नहीं मालूम मुझे फंसाया जा रहा है कोई है विनोद ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे बेंगलोर जाने के लिए और कहा कि मेरे नाम से बेंगलोर जा और प्रेम कुमार जी का जो भी काम है वो कर देना और वापस आके टिकट वगैरह और प्रेम कुमार जी के बिजनेस पेपर मुझे दे देना विनोद अभी कहाँ है वो अभी पस्तानी होटल में मेरा इंतजार कर रहा है अभी लेट्स गो अभिजीत सर संभल के जाना कहीं कबूतर उड़ न जाए यस सर सुधाकर तुम होटल के दरवाजे पर ही खड़े रहना ओके समझे जाओ
हेलो, हाँ मैं कमलेश कोठारी बोल रहा हूँ। क्या साहब इतनी देर से बैठे, ऑर्डर वगैरह करना है कि खाली टाइम पास करने बैठे? अच्छा। नहीं नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक काम करो, एक कप चाय लेके आओ। एक मेरे लिए भी। चार नंबर टेबल, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, 5 रुपया, ठीक है ले आता हूँ। हाँ नहीं, वो जोसेफ ने कहा था मुझसे कि मैं वो प्रेम कुमार से बात कर लूँ। नहीं नहीं, अशोक अभी नहीं मिलेगा, लगता है कहीं बाहर गया है वो। हाँ ठीक है, मैं शीला से मिल लूँगा। सुधाकर रुक, भागता कहाँ है? चल अंदर, मुझे चल। भाग रहा है, भाग रहा है। अरे शीला तुम, फिर तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? ये लोग कौन है? मैंने ही प्रेम कुमार का खून किया साहब। असल में मैं बेंगलोर गया ही नहीं साहब, और ये शीला मेरी बहन भी नहीं है साहब। हम दोनों लोगों को फंसा के लूटते हैं और ये प्यार का नाटक करती है साहब। मगर इस बार ये प्यार में पड़ गई और शादी करने का प्लान बना दिया। मैंने इसको बहुत समझाया पर ये मानी नहीं, उसने शादी का प्लान बना दिया साहब। अगर ये शादी कर लेती तो मेरा क्या होता साहब? इसलिए मैंने प्लान बनाया और प्रेम कुमार का मर्डर कर दिया साहब। तुमने एक मासूम आदमी की जान ले ली। प्रेम कुमार के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो चलो, ले चलो इसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.